हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.1 की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई है। क्या प्रॉपर्टी है? द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब जब आपके पास एक पॉलीगोनियन में जितने भी एक्सटीरियर एंगल गिवन है उनका सम कितना होता है? 360। कैसे? ए बी सी डी ई। ओके, यहां पर आपको एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 5 एक्सटीरियर एंगल्स आपको गिवन है, तो इन सबका अगर आप सम करोगे तो इक्वल शो किसके आएगा? 360 के इक्वल्स आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्वेश्चंस कैसे दिए होंगे, इनमें से कोई एंगल नहीं गिवन होगा, आपको बोलेंगे कि वो नंबर वाला है, वो एंगल फाइंड करो, तो आपको इक्वल शो जैसे मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 5 इज इक्वल शो आपको क्या लेना है? 360 लेना है। देखिए कुछ ऐसे, ठीक है, तो इनमें से जो एंगल आपको फाइंड करने को कह, बाकी सबकी वैल्यू गिवन होगी, उस अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हो। इससे आप नंबर ऑफ साइड्स भी फाइंड कर सकते हो। कैसे? आपको क्या गिवन होगा? एक्सटीरियर एंगल, मतलब सबका एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन होगा। सपोज कीजिए आपको अगर एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री गिवन है और आपको कहा जाए नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कीजिए, तो क्या होगा? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 अपॉन जितना आपको एंगल गिवन है। जैसे 45, तो 9 से करें 9 5 9 40 5 1 5 8, तो नंबर ऑफ साइड्स आपको कितनी देखने को मिलेंगी? 8 साइड्स देखने को मिलेंगी। ऐसे ही आपको यहाँ एंगल गिवन होगा, साइड्स फाइंड करने को कहेंगे, साइड्स गिवन होगी, एंगल फाइंड करने को कहेंगे, यहाँ पे कोई एंगल आपको मिसिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी बेस पर हमें पूरी एक्सरसाइज 3.2 करनी है। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन है, उसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले ये फिगर को हम लेबलिंग कर लेते हैं ए बी सी। तीनों एक्सटीरियर एंगल गिवन है। मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360। सो इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, यहां पर 180 नहीं लेना, ये इंटीरियर एंगल नहीं है, एक्सटीरियर एंगल है। ओके, सो 125 प्लस 125 सी कितना है? एक्स 360। 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। सो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 250, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 110 आपको देखने को मिलेगा। सो यहां पर आपका एक्स कितना आएगा? 110। ऐसे ही आपको एक फिगर 2 भी गिवन है, सेकंड फिगर गिवन है, तो चलिए उसमें देखते हैं कैसे होगा। ओके, नाउ सी फिगर बी में क्या गिवन है आपको? यहां पर आपको एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, जैसे कि ये 60, ये आपको पता है 90 डिग्री का सिंबल है, तो 90 70 x
ये वाला चीज एंगल नहीं गिवन। सो देखो ये 90 है, हमने 3.1 में भी देखा था कि सम ऑफ द लीनियर एंगल्स कितना होता है। अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं, सॉरी ये जो फाइंड करना है इसे मैं 1 नाम दे दूं, तो 1 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 होता है। यहां पर आप देख सकते हो सम ऑफ द लीनियर एंगल्स, ओके, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो मेजर एंगल 1 भी कितना आएगा आपका 90 डिग्री आएगा, मतलब ये भी कितना हो गया 90। अब आपको एक ही एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, लेबलिंग कर लेते हैं ए बी सी डी ई, ओके। सो देखिए नाउ मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी सी डी प्लस मेजर एंगल ई इज इक्वल टू 360, बिकॉज हम यहां पर एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो ए ए हमारा एक्स है, बी 90, सी आपका 60, डी अगेन 90 एंड ई आपका 70 इज इक्वल टू 360, 180, 240, 310। सो एक्स प्लस 310 इज इक्वल टू 360, सो एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 310, सो एक्स आपका कितना आएगा 50 आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहां पर जो आपका एक्स है वो कितना है 50, ओके। सो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ओके। नासी क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना है किसका, रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स आपको कैसे देखने मिलेंगे, इक्वल, मतलब हर एक एंगल आपको इक्वल और हर एक साइड इक्वल। यहाँ पर आपको साइड्स गिवन है कितनी 9, तो यहाँ पर क्या लिखोगे नंबर ऑफ साइड्स 9, ठीक है। और आप जानते हो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, हमें क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स, तो कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 9 4 36 जीरो से, तो कितना डिग्री एंगल आएगा आपका 40 डिग्री, यहाँ पर आपको एंगल देखने को मिलेगा, मतलब मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब हर एक एंगल का मेजर कितना होगा 40 डिग्री, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ओके। नाउ सी सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में भी सेम नंबर ऑफ साइड्स 15 गिवन है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 गिवन है, मेजर ऑफ ईच एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। सो एक्सटीरियर एंगल सम कितना होता है 360 अपॉन में 15, ठीक है। 3 के टेबल से कर लेते हैं, 3 5 3 1 2 0, 5 1 5 2 4, तो आपको कितना देखने को मिलेगा एंगल 24 डिग्री, मतलब यहां पर हर एक एंगल का मेजर कितना होगा 24 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। सो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है, हाउ मेनी साइड्स, और हमें यहाँ पर साइड्स फाइंड करनी है रेगुलर पॉलीगॉन की, जिसका हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन है 24।
अब आपको एंगल गिवन है, आपको साइड फाइंड करनी है। क्वेश्चन टू में क्या था, साइड गिवन थी, एंगल फाइंड किया था। तो देखिए क्या करेंगे, अगेन मेजर ऑफ ईच एंगल कितना है 24 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। सो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय मेजर ऑफ ईच एंगल, जैसा क्वेश्चन टू में किया था। साइड यहां मेजर ऑफ एंगल था तो वो नीचे चला गया, नंबर ऑफ साइड से आ गया, तो 360 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। सो 24 वन जा 24 15 जा, सो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 15 साइड्स आपको देखने को मिलेगी। मींस जब एक्सटीरियर एंगल सबका 24 डिग्री होगा तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 15 साइड्स आपको देखने को मिलेगी। काफी इजी था क्वेश्चन टू, अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन थ्री और इजी पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 क्या ही मैंने, हाउ मेनी साइड्स, यहाँ पे आपको फिर से साइड फाइंड करनी है रेगुलर पॉलीगॉन की, बट यहाँ पर आपको इंटीरियर एंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल नहीं। सो देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, इंटीरियर एंगल 165 गिवन है, तो एक्सटीरियर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए आपको पता है अगर ये इंटीरियर है तो ये एक्सटीरियर होगा, ठीक है। अगर ये हमें 165 गिवन है तो ये कितना होगा, तो सम ऑफ क्या लीनियर एंगल्स आएगा, सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 165, तो कितना आएगा 15 डिग्री आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये 15 होगा। ओके अब हम नंबर ऑफ साइड फाइंड कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 3 में किया था, क्या होगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन में मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सो क्या हो जाएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है और वो मेजर आपको 15 गिवन है एक्सटीरियर एंगल का, सो 5 3 5 7 35 5 2 3 1 3 2 और 4, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी, 24 साइड्स आपको देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन में जब एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री होगा तब साइड्स कितनी होंगी, 24 साइड्स आपको देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। सो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके नाउ सी क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, दो क्वेश्चन है, पहले देख लेते हैं इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है जो रेगुलर पॉलीगॉन हो उसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो, तो आप कैसे पता करेंगे ये पॉसिबल है या नहीं। हम यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर लेते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाती है देन यस इट इज पॉसिबल, अगर नहीं मिलती तो नो इट इज नॉट पॉसिबल। सो देखिए यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल गिवन है 22, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ओके सो अभी अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी हो तो क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन मैं एक्सटीरियर एंगल ले लेते जो हमें 22 गिवन है। ओके तो 360 डिवाइडेड बाय 22
211 सा 180 अपॉन 11 आगे कट होगा नहीं और होगा भी तो भी पॉइंट में आंसर आएगा और पॉइंट्स में हमारे लिए साइंस पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीनोमियल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 22 मतलब आपको यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट लिखना है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीनोमियल विद मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 22 ओके तो चलिए अब इसमें आपको बी पार्ट भी गिवन है सो आप देखते हैं पार्ट बी ओके नाउ क्वेश्चन 5 का बी बी में क्या गिवन है क्या उसके इंटीरियर रेगुलर पॉलीगोनियन होंगे कैन बी मतलब आपको ए में जो गिवन था उसी को आगे लिया गया है कि जो एक्सटीरियर एंगल आपने 22 लिया था तो क्या इंटीरियर एंगल अगर 22 हो तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं सो देखिए यहां पर आपको इंटीरियर एंगल गिवन है 22 ठीक है आप इंटीरियर एंगल गिवन है तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो जैसे ये गिवन है ये फाइंड करना तो 180 में से माइनस सो एक्सटीरियर एंगल विल बी 180 माइनस 22 कितना देखने को मिलेगा आपको 158 देखने को मिलेगा मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 158 अब अगर ये साइड्स बनाएगा अगर साइड्स हमें आती है तो क्या होगा यस इट इज पॉसिबल नहीं तो नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल अब सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन 158 27 जा 29 जा 2180 ठीक है तो कितना आ गया 180 अपॉन 79 आगे कट नहीं होगा सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल मतलब अगर उनका इंटीरियर एंगल अब वो भी अगर 22 हो जाए तो भी वो पॉसिबल नहीं है कि रेगुलर पॉलीगोन बना इसकी सारी साइड्स और एंगल्स सेम है सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ इंटीरियर एंगल ऑफ 22 डिग्री सो यहाँ पर आपको ये भी पॉसिबल होते हुए देखने को मिलेगा नहीं सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है सो चलिए अब देखते हैं ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 ओके तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगॉन सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल हमारा कितना होना चाहिए किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए अब रेगुलर पॉलीगॉन आपको पता है क्या होता है जिसकी सारी साइड सेम हो और सारे एंगल्स सेम हो अभी तक हमने पॉलीगॉन देखा है तो अगर हम सबसे ट्राइंगल ले सकते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग है और ये सबसे पहला पॉलीगॉन है अब अगर इसको रेगुलर पॉलीगॉन बनाना हो मतलब ऑल एंगल्स इक्वल तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा इक्वी लेटरल ट्राइंगल मतलब इक्वी लेटरल ट्राइंगल में आपको क्या देखना मिलता है जो तीनों इंटीरियर एंगल है वो आपको इक्वल देखने को मिलेंगे कितने डिग्री के 60 डिग्री के आपको देखने को मिलेंगे मतलब मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन आपको कितना चाहिए 60 डिग्री चाहिए और देखिए बी पार्ट में क्या होगा व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए सो देखिए आपको इंटीरियर एंगल गिवन है एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं हमें आता है सो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 60 तो कितना आएगा 120 डिग्री आएगा मतलब मैक्सिमम इंटीरियर डिग्री इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए 120 डिग्री आपको देखने को मिलेगा देखिए इनमें से थोड़ा भी अगर किसी में भी आप चेंज करोगे ना तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो रेगुलर पॉलीगॉन भी नहीं रहेगा दैट्स व्हाई हमें 60 और 120 ही देख के चलना पड़ेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए और 60 डिग्री और उसका एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री हमें देखने को
मिलेगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट होती है। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।